इंस्टाग्राम अकाउंट लॉक कैसे करें। दोस्तों इंस्टाग्राम अकाउंट लॉक कैसे करता है इस वीडियो में बताऊंगा। आपने देखा होगा बहुत सारे अकाउंट जो कि उसके अकाउंट पे जैसे एंटर करते हो तो इस प्रकार से लॉक देखने को मिलता है। जब तक ना आप वो आपको फॉलो बैक करे तब तक आप उसका अकाउंट पूरा डिटेल नहीं देख सकते या उसका पोस्ट वगैरह देख नहीं सकते, क्योंकि उसने उसका इंस्टाग्राम खुद लॉक करके रखा या प्राइवेट करके रखा। आप भी अपने इंस्टाग्राम को प्राइवेट या लॉक करके रख सकते हो। किस प्रकार से करना है पूरा डिटेल के साथ मैं इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो की लास्ट तक वॉच करना। और वीडियो पे अगर नया हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे आप देख लीजिए इस अकाउंट जो कि लॉक करके रखा या प्राइवेट करके रखा। आप भी अपने अकाउंट अगर प्राइवेट करना चाहते हो या लॉक करना चाहते हो तो किस प्रकार से करोगे इस वीडियो में बताऊंगा। और बहुत लोगों का अकाउंट जो कि लॉक नहीं हो पाता है, क्यों नहीं होता है और किस प्रकार से करोगे पूरा 100% आप जानकारी पूरा देखने को मिलेगा। तो वीडियो की लास्ट तक वॉच करना। तो सिंपल आपको करना क्या होगा, यहाँ पे देख लीजिए सबसे पहले आपका इंस्टाग्राम अकाउंट पे चला जाना होगा। यहाँ पे आपको देख लीजिए सबसे पहले तो अपने प्ले स्टोर पे जाके अपने जो इंस्टाग्राम है अपडेटेड करके रखिए, उसमें अपना बहुत ही अच्छे से इंस्टाग्राम चलने लगेगा। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए जो भी अकाउंट आपने प्राइवेट करना चाहते हो या लॉक करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम ओपन कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जैसे कि इस वाले अकाउंट जो कि मेरा पब्लिक है और कोई भी अगर सर्च करते तो इस वाले अकाउंट पे आ जाते हैं और उसके बाद कोई भी जो कि मेरा पोस्ट वगैरह देख सकते हैं। लेकिन मैं इसे जैसे ही लॉक कर दूंगा या प्राइवेट कर दूंगा उसके बाद जब तक ना मैं उसको फॉलो बैक करूंगा तब तक वो क्या करेगा अपना मेरा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो देख नहीं पाएगा, क्योंकि उनको देखेगा कि लॉक। तो सिंपल आपको करने के बाद यहाँ पे 3 लाइन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद 3 लाइन पे क्लिक करने के बाद थोड़ा नीचे आ जाएगा तो यहाँ पे अकाउंट प्राइवेसी बोल के ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर टैप करना है। उसके बाद ये अकाउंट ये जो ऑप्शन है इसे आपको टर्न ऑन कर देना है। और यहाँ पे देख लो मिल रहा है कि स्विच टू प्राइवेट अकाउंट, तो यहाँ पे क्या होगा अपना जो पब्लिक अकाउंट रहेगा वो आपको स्विच टू प्राइवेट हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे ये अकाउंट जो कि प्राइवेट हो जाएगा, अपना जो अकाउंट है वो प्राइवेट हो चुका है। अब जैसे बैक आ जाओगे तो उसके बाद कोई भी सर्च करेगा तो यहाँ पे आप देख लीजिए एक लॉक का सिंबल आ चुका है, आप सबसे ऊपर देख पा रहे हो। तो इस वजह से आपने प्राइवेट कर सकते हो। अगर बहुत लोगों का क्या होता है कि प्राइवेट नहीं होता है, क्यों नहीं होता है क्या पता है, जिन लोगों का प्रोफेशनल डैशबोर्ड ऑन है यानी कि प्रोफेशनल अकाउंट ऑन है उन लोगों का देखने को नहीं मिलेगा और उन लोग प्राइवेट नहीं कर पाएगा। और जिन लोगों का बिजनेस अकाउंट है तो बिजनेस से आपको जो कि प्राइवेट कैसे करना है, यहाँ पे जैसे मेरा यहाँ पे जो प्रोफाइल देखने को मिला बहुत लोगों का यहाँ पे जो डैशबोर्ड मिल जाता है प्रोफेशनल डैशबोर्ड, तो वो प्रोफेशनल डैशबोर्ड हटाना होगा, उसके बाद अपने अकाउंट प्राइवेट कर सकते हो। उसके लिए आपको करना होगा प्रोफेशनल डैशबोर्ड कैसे हटाए, उसके लिए मैंने वीडियो बना के रखा, तो आई बटन पे दिया हुआ वीडियो इस वाले वीडियो आप देख सकते हो। ठीक है, देखने के बाद वो अकाउंट जैसे आप प्रोफेशनल डैशबोर्ड हटा दोगे या बिजनेस अकाउंट से स्विच टू जो पर्सनल अकाउंट कर दोगे उसके बाद आप जैसे आके इस वाले सेटिंग आप कर लोगे तो उसके बाद आप अकाउंट को प्राइवेट कर सकते हो इस प्रकार से। तो आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा, इस प्रकार से अपने अकाउंट को प्राइवेट एंड लॉक करके रख सकते हो। तो वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताना, ऐसे वीडियो देखने के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।